गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? मज़े में हैं? आपको पता है, हम जितनी भी यहाँ ख़वातीन बैठी हैं, हम सबकी नेचर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी, हम सबकी स्ट्रेंथ एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी, हम सबके खौफ एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। और इसी तरह तब होता है जब आपकी कॉलेज की दोस्तें होती हैं, उनका ग्रुप होता है, तो कोई दोस्त जो है वो बहुत दिलेर होती है, कोई दोस्त बहुत दब्बू होती है, कोई दोस्त बहुत सबमिसिव होती है, और कोई बहुत हर वक्त उसको ही आगे किया जाता है टीचर्स के आगे। देखो टीचर को ये बोल दो, देखो ये क्लास पे ज्यादती हो रही है, तो एक लीडर बना के उसको आगे किया जाता है। अगर आप अपनी बहनों पे देखें, और जैसे फॉर एग्जांपल मेरी तीन बहन है, मतलब लाइक मुझे मिलाकर हम तीन बहन हैं, हम तीनों बहनों की स्ट्रेंथ, हम तीनों बहनों की आदत, और हम तीनों बहनों की नेचर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हाँ, शक्ल कहीं ना कहीं मिलती होगी, क्योंकि वो जाहिर है ऑब्वियसली फिजिकल अपेयरेंस बहनों बहन भाइयों की तो मिलती है, लेकिन आदत जो हैं और उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। अब अगर मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ, तो एक ज़माना ऐसा था कि मैं अब की बात नहीं करी, लेकिन मैं पहले की बात करी हूँ, मैं बहुत डरपोक सी, सहमी हुई, दबने वाली, उस तरह की लड़की थी। जैसे जैसे अभी भी मैं इतनी ज़्यादा बेबाक लड़की नहीं हूँ, या मैं इतनी बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मेरे अंदर इतनी भी नहीं है जितनी लोगों में होती है। हाँ, लेकिन पहले के मुकाबले में आहिस्ता 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 जैसे जैसे मैच्योरिटी आती गई, तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ मेरे अंदर बढ़ गई। और ख़ासतौर पे ये शो करने के बाद, जब मैं मुख्तलिफ लोगों से मिलती हूँ, जब मैं मुख्तलिफ ख़वातीन से मिलती हूँ, तो उनको स्ट्रेंथ देने के लिए मुझे अपने अंदर वो पावर और वो स्ट्रेंथ लानी पड़ी।